अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश में सुशासन के 3 वर्ष पूरे होने पर योगी सरकार प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण जगह जगह जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि 19 मार्च को योगी सरकार ने प्रदेश में सत्ता को संभालते हुए 3 साल पूरे कर लिए। ऐसे में प्रदेश में हुए चहुंमुखी विकास की तस्वीरों को उजागर करना तो बनता ही है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने विकास की इन तस्वीरों को दर्शाने के लिए सुशासन के 3 वर्ष नामक पुस्तक भी प्रकाशित की, जो प्रदेश में हुए चमत्कार विकास की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ जहां कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, वहीं प्रदेश में नेतागण लोगों को इकट्ठा करके सरकार के 3 साल में हुए स्वर्णिम विकास से लोगों को रूबरू करने का प्रयास कर रहे हैं। कल से ही मेरठ में 3 साल के विकास का हवाला देते हुए प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं। कल सोमेंदर तोमर ने प्रेस वार्ता कर मेरठ में हुए विकास के प्रमाण लोगों को दिए, तो आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कचहरी स्थित विकास भवन में प्रेस वार्ता कर सुशासन के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही चौतरफा विकास की तस्वीरें लोगों के सामने उजागर करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। तो आइए जानते हैं 3 साल के विकास की कहानी उन्हीं की जबानी। सर, योगी सरकार को 3 साल क्या खोया, क्या पाया? चौमुखी विकास के 3 वर्ष, 19 मार्च 2017 को एक जर्जर व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विरासत में मिली थी, उसको पटरी पर लाने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पटरी पर लाने का प्रयास किया और हम बहुत हद तक सफल भी हुए। 2014-15 में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो आय 42,267 थी, आज बढ़कर 70,419 हुई है। सरकार आने से पहले हमने कहा था कि सीमांत और लघु किसानों का ऋण माफ करेंगे। 36,000 करोड़ से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण हमारी सरकार ने माफ किया है। प्रदेश में निवेश आए उसके लिए वातावरण हमारी सरकार में बना है। हम निवेशकों को सुरक्षा भी दे रहे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं। इन्वेस्टर समिट 18 के अंदर 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे आए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रथम और द्वितीय में 2.5 लाख करोड़ के निवेश हमारे यहाँ हुआ और 35 लाख लोगों को रोजगार देने में हम लोग सफल हुए। पूरे मेरठ के लिए 3,141.72 करोड़ के हमारी सरकार ने काम किए हैं। मेरठ में सड़कों का नेटवर्क और अच्छा हो, मेरठ में साफ सफाई और बेहतर हो, मेरठ में आने वाले समय में स्पोर्ट्स कॉलेज की भी हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, उड़ान का कार्यक्रम मेरठ से बहुत जल्दी शुरू हो, यह भी हमारी प्राथमिकता में है। मेरठ स्मार्ट सिटी के तहत 250 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। आप देख पाएंगे सड़कों का जाल बिछेगा, गड्ढों ज्यादा गड्ढे हैं उनको गड्ढे भरेंगे, नई सड़कों भी बनेंगे। मुख्यमंत्री जी, सुशासन के 3 वर्ष पर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आप इधर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उधर कमलनाथ की सरकार गिर गई है, तो उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कमलनाथ जी 1 बजे अभी की ब्रेकिंग न्यूज है इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के पाप का घड़ा है, इसको तो फूटना ही था और जितना जल्दी फूटा उतना अच्छा है। और ये कांग्रेस के अपने घर की सिर्फ डब्बल है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, अनमैच्योर लीडरशिप है। एक ऐसा लीडर कांग्रेस में है जिसको देश की नहीं समझ, देश की संस्कृति की समझ नहीं। तो आज जनता तो कांग्रेस से पहले ही उब गई थी, अब तो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं वो भी वहाँ उस कांग्रेस के नेतृत्व से उब रहे हैं। तो ये कांग्रेस का ये गृहयुद्ध है और कांग्रेस अपने अंदरूनी जो मसले हैं उनको
क्योंकि उनका जो नेतृत्व है वो अंदरूनी मसलों को सुलझाने में पूरी तरह से विफल है। तो अपनी विफलताओं का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश श्रीमान राहुल गांधी जी ना करें, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपने आप में सुधार करें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।